बरेली में दया दृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 14वां विंडरमेयर थिएटर एंड लिटरेचर फेस्टिवल शानदार अंदाज में शुरू हुआ, जहां युवा कलाकारों की ऊर्जा और वरिष्ठ लेखकों के अनुभव का अनूठा संगम देखने को मिला। इस दौरान विंडरमेयर की रामलीला डॉक्यूमेंट्री देखकर दर्शक मंच के पीछे की मेहनत और रचनात्मकता से रूबरू हुए। बरेली के इस अद्भुत कला के संगम की शुरुआत महज 20 साल की वान्या सिंह के एकल नाटक वर्ल्ड फ्लाइट से हुई, जिसमें वान्या ने टीनेजर्स की जिंदगी से जुड़े पहलुओं को बेबाकी से रखा। इस ट्रेजेडी और कॉमेडी के संगम को युवाओं के साथ साथ बड़ों ने भी खूब सराहना मिली। वहीं वर्ल्ड फ्लाइट के बाद उद्घाटन समारोह से महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ, जहां दया दृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि वरिष्ठ लेखक आलोचक व संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने अपने वक्तव्य में थिएटर जिंदगी से थिएटर के रिश्ते समाज में थिएटर की जगह पर बात की, जबकि वरिष्ठ लेखिका सुमन केसरी समारोह की विशिष्ट अतिथि रही। उन्होंने अपनी किताब गांधारी से दो अंश पढ़े, पहला कृष्ण गांधारी संवाद और दूसरा वह जिसमें उन्होंने यह समझने समझाने की कोशिश की कि गांधारी ने आखिर अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी। वहीं अंत में लेखक व इतिहासकार सुधीर विद्यार्थी ने थिएटर के महत्व और विंडरमेयर थिएटर के योगदान पर बात की। इस अवसर पर डॉक्टर गरिमा सिंह, नवीन कालरा, शिवानी रेखी, डॉक्टर शालिनी अरोड़ा, वर्जीनिया रॉडरी गेस आदि मौजूद रहे। ये बर्ड फ्लाइट नाम का नाटक है, मेरा पहला नाटक है, मैंने लिखा है, डायरेक्ट किया है और परफॉर्म भी मैं ही करती हूँ। नाटक की थीम है बड़े होने का मतलब क्या होता है, और स्पेशली कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक के बाद उस पीढ़ी के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए बड़े होने का मतलब क्या था। और जब आप बड़े होते हैं तो आपका संबंध अपने परिवार से, अपने घर से और नई दुनिया से कैसे बिगड़ता, जुड़ता, नया बनता रहता।